कॉफी है जरा भेज दे और थोड़ा सा नाश्ता वास्ता भेज दे। सर इसकी कोई जरूरत क्यों जरूरत ना, वैसे ही तुम कभी कभार पधारती हो। अच्छा अच्छा चलिए मंगवा। बताइए आपने कष्ट कैसे क्यों? वो सर एक कक्षा 11 के छात्र ने मुझे छेड़ा है। तुम्हें छेड़ा है? जी सर मुझे छेड़ा है। तुम्हें छेड़ा है? हाँ सर मुझे ही छेड़ा है। पक्का तुम्हें छेड़ा है ना? हाँ सर मुझे ही छेड़ा है सर। किसकी इतनी हिम्मत हो गई तुम्हें छेड़े? थोड़ा सा विस्तार से समझाओ। सर एक्चुअली मैं हु आर यू? हाय डूड। होप कि यू वन डे में वन बार ही खेत में जाता होगा। फादर को क्यों बोलते हो? आवर डैड मैडम आवर फ्रेंड है। आज भी आपके यहाँ खुले में शौचालय करते हैं? अच्छा खैर शौचालय या तो पूरी इंग्लिश लिखवाओ या पूरी हिंदी लिखवाओ। चलिए पिताजी जो है वो आधी इंग्लिश आधी हिंदी समझते हैं, इसलिए हम इंग्लिश और हिंदी दोनों के वर्डों को मिला जुला कर लेटर लिखवा देते हैं। जी जी मैडम आगे लिखिए। आज तो कमाल हो गया, जिन टीचर से मैं ये पत्र राइटिंग वो अति सुंदर है पर उनके मुझे डूड ये जो टीचर मैडम है मेरी बुआ से यानी आपकी सिस्टर से मिलती जुलती है। बुआ के मूंछों के साथ साथ बियर्ड भी थी पर इन टीचर के ओनली मूंछें ही हैं। आज इनको देखकर मुझे मेरी बुआ लर्न आ गई। लर्न का मतलब याद याद याद। मुझे लगता है ये मैडम हर सप्ताह में 2 से 3 बॉयफ्रेंड्स बदलती होंगी। जिस भी ऑटो रिक्शा में बैठती होंगी उसके साथ भाग जाती होंगी। अरे क्या अच्छी बात है, एक ही सप्ताह में 2 से 3 बॉयफ्रेंड बदलने का। मेरी बुआ आपकी की तरह थी पर थोड़ा सा अंतर था मूंछों का और दाढ़ी का बस। अरे तुम मुझसे कंपेयर क्यों कर रहे हो, मेरा तो एक भी बॉयफ्रेंड। प्लीज आगे लिखिए ना मैडम प्लीज। ठीक है जल्दी लिखो। डूड ये मैडम बहुत ही टॉकिंग वाली और चंडाल है। अरे आप गुस्से क्यों हो रही है मैडम? मेरी बेइज्जती कर रहे हो। वो पिताजी क्या है ना मैडम और वो पूरे एनवायरनमेंट को समझकर ये पत्र पढ़ेंगे और बहुत खुश होंगे और उनको ये भी पता चल जाएगा कि मेरा सन जो है ना किस सिचुएशन का शिकार है। ये मैडम इनसाइड से बहुत ही घटिया और बदतमीज है। छोरे का तो बुरा हाल करूंगा, वो जानत ना अब प्रिंसिपल इन सब की क्या जरूरत है। देखो तकल्लुक ना करो है बिल्कुल। चलो चलो पहले नमकीन बिस्किट ले। अरे एक मिनट एक मिनट, जब नमकीन बिस्किट खाओगी समोसे का टेस्ट बदल जाएगा। जी सर आप सही कह रहे हैं। तो नमकीन बिस्किट बाद में पहले जेल पहले समोसे से तुम्हारा पेट खराब हो सकता ना पहले तो समोसा बाद में खाते हैं। अभी ये लो। हाँ जेल जेल आप बढ़िया चॉकलेटी बिस्कुट है हमारे यहाँ मिलता है। ये लो ये चॉकलेटी बिस्कुट है। चॉकलेटी बिस्कुट भी थोड़ा सा क्रीम व्रीम होती है ना तो इसके खाने से फिर इस वाले बिस्कुट का ये टेस्ट बदल जाएगा। तो तुम एक काम करो। हाँ पहले जेबा बिस्कुट खा। एक मिनट अगर ये पहले जेबाला बिस्कुट खा लिया तो फिर ये गुलाब जामुन कौन खाएगा? अब इतने समय बाद आप हमारे पास पधारे हो तो भाई पहले तो मिठाई बनती है ना भाई है? तो पहले जेल गुलाब जामुन टेस्ट करो। जेल गुलाब जामुन। एक मिनट आपको डायबिटिक कुछ शुगर उगर की तो बीमारियां है ना? हाँ सर मुझे थोड़ा सा। ओ तो गुलाब जामुन बिल्कुल मैं खाऊं? ये तो बहुत ही नुकसान दे शुगर बढ़ जाएगी। एक काम करते कॉफी लो कॉफी 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 कॉफी
ये कॉफी ठंडी हो गई ग्रांडी, ठंडी कॉफी काहे अच्छी तुम्हें लगे, चले हैं नाश्ता कर लिया, ले जा ले जा ले जा। क्या जी, एक मिनट एक मिनट, अगर आपको हमारे एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, क्योंकि बिना बेल आइकॉन के आपको नए एपिसोड के बारे में पता नहीं चलेगा। थैंक यू। ये बता छोरा, जा इंटर कॉलेज के हम कौन सर प्रिंसिपल, हमारे हद हुए जा टीचर को छेड़ोगे? हमारा मतलब किरण जी बोलत का है ना, जब चाप खड़े हो सर। एक्चुअली में हम अपने पिताजी को लेटर राइटिंग करवा रहे थे, हमने इनको छेड़ा नहीं है सर। जब तुम हमसे लेटर लिखवा रहे थे तो क्या क्या कह रहे थे? हमारी शक्ल जो है तुम्हारी बुआ से मिलती है, हमारे पूछे हैं। अब बोलो प्रिंसिपल साहब के सामने। अगर किरण जी के मूछ है तो तुम्हें काहे आपत्ति है? सर मैडम को बोलिए ना कि मुझे कटवा लो, इनके फेस पर मुझे ब्यूटीफुल नहीं लगती। वैसे ये बात तो ठीक है वो कहा है ना, थोड़ा ब्यूटी पार्लर वालर में जाके थोड़ा फेस फेशियल करवा लूं। थोड़ा कल 10:15 अपने पिताजी संग मेरे झोरे पधार जाइयो, समझा? बात किरण जी तुम्हें चिंतित होने की कहीं जरूरत नहीं है। एपिसोड बना रहे हैं तो प्लीज हमारे एपिसोड को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है, है? प्लीज, और प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सब में शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन, ये जो नीचे एक बेल है ना घंटी सी, उसको जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप उसको दबाएंगे नहीं तो नेक्स्ट एपिसोड का आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास आएगा नहीं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अपने अजीजों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सब में शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए और प्लीज लाइक भी कीजिए, ताकि नेक्स्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।
ओयो ओयो ओयो।